गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं अनुराग और आपका स्वागत है अनुराग सोशियोलॉजी में। दोस्तों, हमारा अभी सभी राशि के ऊपर डिस्कशन चालू है, तो अभी हम थर्ड नंबर की राशि पे जेमिनी पे आते हैं, जिसे हम मिथुन कहते हैं। और हम अभी मिथुन राशि के बारे में, मिथुन राशि वालों की पर्सनैलिटी के बारे में और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि का बड़ा ही मजेदार खेल होता है। आप कहीं भी देखोगे, मैं तो कहता हूँ हर घर में एक ना एक मिथुन राशि वाला इंसान होना ही चाहिए, उसके सिवा घर में रौनक रहती ही नहीं है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले होते कैसे हैं? आप अक्सर देखते हो कुछ लोग पचर पचर दिन भर पचर पचर जो करते हैं, दिन भर बड़बड़ जो करते हैं। दोस्तों, ये लोग होते हैं मिथुन राशि वाले, ये लोग होते हैं जेमिनी वाले। इन लोगों को चुप बैठा हुआ जानता ही नहीं। आप मुझे एक ऐसा इंसान बता दो जो मिथुन राशि का है और आधा घंटा भी चुप रह सकता है। आधा घंटा बहुत बड़ी बात होगी, ये लोग 15 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकते। ये कंटिन्यूअसली बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। ये लोग आपको हमेशा फोन पे लिखेंगे। अगर मान लो आप इनसे सिंपली कोई क्वेश्चन पूछते हो कि तू कहाँ गया था, आप पूछते हो ये मूवी कैसी थी, तो ये बाद में बताएंगे वो मूवी कैसी थी। फिर बोलेंगे मुझे वहां वो दिखा था, मुझे वहां वो दिखी थी, फिर हमने पॉपकॉर्न खाया, फिर मेरी गाड़ी पंचर हो गई, फिर मुझे रस्ते में वो दिखा, मुझे आते आते ये दिखा। और मेन टॉपिक जो था इनका कि मूवी कैसी थी, ये भूल ही जाते हैं। इन्हें बड़बड़ करने की, इन्हें बहुत ज्यादा बात करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। और दोस्तों, नॉर्मली मिथुन राशि जो होती है वो हमारे लंग्स पे आती है। जैसे हमने बताया एरीज सिर पे आती है, टॉरस नेक पे आती है, वैसे मिथुन राशि हमारे लंग्स पे आती है। दोस्तों, ये लोग बड़े मजेदार होते हैं, हमने इन पे कभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग फेंकते बहुत ज्यादा है। मिथुन राशि वालों का कुछ ऐसा होता है, अगर आप मान लो इन्हें कोई क्वेश्चन पूछते हो और बहुत लोग खड़े हैं, तो ये लोग कभी ऐसा कहेंगे ही नहीं कि मुझे ये नहीं आता। ये कुछ ना कुछ करके मैनिपुलेट करेंगे, ये कुछ ना कुछ करके फेंक देंगे। तो कभी भी अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि वाला है, तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि इसने सही कहा है या इसने फेंका हुआ है। तो मिथुन राशि वाले कुछ इस तरह से हर चीज को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और एक बात आपको बहुत ज्यादा 100% ध्यान रखना है, अगर आप कोई सीक्रेट रख रहे हो, मान लेते हैं आपको कोई सीक्रेट रखना है और आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है वो मिथुन राशि की है, वो जेमिनी के, इनको आपको कभी सीक्रेट नहीं बताना है, क्योंकि ये कभी भी, ये लाइफ में कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, ये सीक्रेट नहीं रख सकते। ये कुछ ना कुछ करके सीक्रेट शेयर कर ही देंगे और फिर बोलेंगे ओ माय गॉड मैंने गलत किया। पहले ये गलती कर देंगे, फिर ये कहेंगे कि मैंने गलत किया। और ये लोग अपनी गलती मानने को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैंने गलती की है। ये गलती करते हैं और एक्सेप्ट करते ही नहीं है। और दोस्तों, ये लोग सीक्रेट भी नहीं रख सकते, ये लोग फेंकते भी बहुत ज्यादा है। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं? दोस्तों, अगर मैं आपको इनके पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगा, तो मिथुन राशि जो होती है ये मून की प्लेसमेंट मर्क्यूरी के हाउस में होने के बाद होती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले आप अक्सर देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन और मोस्ट स्पेशली सबसे ज्यादा पोएट राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स और सभी पोएट्स, मैक्सिमम 60-70% पोएट्स और राइटर्स ये मिथुन राशि के ही होते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव पावर रहती है इनकी, ये बहुत ज्यादा बोलते भी है, तो इनकी वजह से घर में रौनक बनी हुई रहती है। आपको बस ध्यान में यही रखना है कि आपकी कोई भी सीक्रेट बातें हो इनको नहीं बताना है। और दोस्तों, कभी भी मिथुन राशि वाले ने वृश्चिक राशि वाले के साथ कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होगा ये, मिथुन राशि वालों को बड़ी बुरी आदत होती है। ये अक्सर ऐसा करते हैं किसी से भी, मान लो कोई भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, ये किसी से भी कुछ छेड़खानी कर देंगे, किसी की मजाक ले लेंगे, किसी से भी जाके बातें करेंगे और बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे। ये लोग फेमस बहुत होते हैं। अगर ऐसे लोग पॉलिटिशियंस बनना चाहे, ऐसे लोग ऑरेटर बनना चाहे, ये स्पीकर बनना चाहे, तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ये किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं और किसी दुश्मन को भी ये अपना बना देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, मान लेते कोई हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड वृश्चिक राशि का है, वाइफ मिथुन राशि की है, तो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और नॉर्मली कोई पहचान का इन्हें एक इंसान मिल जाता है और एक नॉर्मल कह देती है, ये ऐसी लड़कियां कह देती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मिथुन राशि की लड़कियां चुप नहीं रह पाती, मिथुन राशि का लड़के भी चुप नहीं रह पाते। लड़के कहेगा तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लड़कियां कहेंगी तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो ये अपने हस्बैंड के सामने भी ऐसे कह देते। तो अगर हस्बैंड इनका वृश्चिक राशि का रहा, तो ये उसे कहेगा कि चल घर पे मैं तुझे दिखाता हूँ कि कैसे हैंडसम कोई लग रहा है और कैसे कोई ब्यूटीफुल लग रही है।
तो दोस्तों इसीलिए मिथुन राशि वाले ने कभी भी वृश्चिक राशि वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि दुश्मन को भी अपना बनाने की पावर रखते हैं। ये बहुत अच्छे पोएट होते हैं, ये बहुत बड़े कलाकार भी बन सकते हैं। दोस्तों मिथुन राशि वालों के साथ में रहकर अभी कभी आपको बोर फील नहीं होगा, और अगर कहा जाए तो इन्हें भगवान का भी आशीर्वाद होता है। ये नॉर्मली इनके दुख के दिनों में भी खुशी रहते हैं, ये हमेशा हंसते ही रहते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो भी अगर आपको कोई भी बड़बड़ करता हुआ दिखा, आप देखोगे कोई इंसान 5 मिनट भी चुप नहीं रह सकते, तो वो है मिथुन राशि वाले इंसान। जो बहुत फेंकते हैं वो है मिथुन राशि वाले इंसान, और दोस्तों जो कोई भी सीक्रेट नहीं पा सकते वो भी मिथुन राशि वाले इंसान है। तो अगर आपके इसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, और अगर आप दोस्तों मिथुन राशि के हो, और अगर आप एरीज वालों से शादी करना चाहते हो, अगर आप वृश्चिक वाले से शादी करना चाहते हो, तो आप अवॉइड करो, आपको बहुत हद तक अवॉइड करना चाहिए। तो ये बात हुई मिथुन राशि वाले के बारे में। हम ऐसे ही और विशेष राशि तक एपिसोड्स बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।